आज के वीडियो में आपको एम्पलीफायर में बीटी झनकार किट को लगाना सिखाऊंगा, यानी कि बेस ट्रेबल बोर्ड जिसे आप कह सकते हैं इसको लगाना सिखाऊंगा। ये बोर्ड इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा, इसका प्राइस 30 से 40 रुपए के आसपास में मिल जाता है। अगर आपके यहाँ ये प्राइस कम है तो कमेंट करके बता देना, यानी कि आपके यहाँ का प्राइस बता देना इस बोर्ड का, ठीक है। और आपके यहाँ 30-55 का भी प्राइस क्या है थोड़ा सा मुझे जानना है, तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा। तो यहाँ पर इस 30-55 एम्पलीफायर में इसको फिट करेंगे। आप किसी भी एम्पलीफायर में इसको फिट कर सकते हैं, भले वो कोई सा भी हो। हर एम्पलीफायर में फिट करके आप उसके बेस और ट्रेबल को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब फिट कैसे करना है वो आप थोड़ा सा यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जान लीजिए। अब सबसे पहले आपको बताऊँ तो इसको पावर देनी पड़ती है, और इसके लिए 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि 12 वोल्ट आपको डीसी 12 वोल्ट, ठीक है, कोई इसमें रेक्टिफायर वगैरह नहीं लगा है, तो डीसी 12 वोल्ट की जरूरत इसको चलाने के लिए पड़ती है। और यहाँ पर हमारे पास डीसी 12 वोल्ट ऑलरेडी यहाँ पर है। कहाँ से निकाली है, यहाँ पर एक 7812 यहाँ पर रेगुलेटर है, उसी से हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अगर आपके पास 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है तो वहाँ पर आप इसके जस्ट बाद में जो रेक्टिफायर होता है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन आपको सिंपल सा बताऊँ ट्रिक, आपके पास जो 7805 बोर्ड पर ऐसी लगी होगी उसके फर्स्ट वाली लेग 12 वोल्ट की होती है, यानी कि वहाँ पर 12 वोल्ट आपको लगभग मिल जाएगा। और आपके एम्पलीफायर के अंदर 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है तो उसके फर्स्ट पिन पे आपको 12 वोल्ट मिल जाएगा। और कहीं पे बॉडी पे से आप ग्राउंड ले सकते हैं, या फिर उस रेगुलेटर के बीच की पिन से आप ग्राउंड ले सकते हैं। तो यहाँ पर 12 वोल्ट से ये बोर्ड चलेगा, तो 12 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब यहाँ पर इसके बाद अदर कनेक्शन कैसे होंगे वो आपको बताता हूँ। पहले इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। ये ग्रीन कलर की वायर ग्राउंड की है और येलो कलर की वायर हमने 12 वोल्ट पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल करी है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर आपको दिख रहा होगा, इस पर आप ये जो नेगेटिव पे आप ग्राउंड या नेगेटिव दे सकते हैं, पॉजिटिव कैपेसिटी के पॉजिटिव पे आप 12 वोल्ट दे सकते हैं। या फिर आप सिंपल बता देता हूँ, यहाँ पर जो तीसरे नंबर की पिन है वो हमारी पॉजिटिव की है और चौथी है हमारी नेगेटिव की है। सिंपल सी, यहाँ से जो तीसरे नंबर की पिन है यहाँ पर आपको लगभग छः पिन मिल जाती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सिंपल से आपने यहाँ पर तीसरे में पॉजिटिव और चौथे में नेगेटिव दे देनी है। तो यहाँ पर देखिए ये येलो कलर की वायर हमने पॉजिटिव में इस्तेमाल करी है, तो इसको तीसरे नंबर की पिन के हम जोड़ लेते हैं। ये जुड़ गया है तीसरे नंबर की पिन के साथ में, और चौथे नंबर की पिन पर हम ग्रीन कलर की वायर यानी कि नेगेटिव या फिर ग्राउंड जोड़ लेते हैं। तो कनेक्शन हो गए, इस बोर्ड को ऑन करने के लिए हमें यहाँ पर कनेक्शन कर लिया है। अब हम यहाँ पर इस बोर्ड में AUX के कनेक्शन करेंगे। कैसे करने हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक कनेक्टर आपको कार्ड पे लगा हुआ दिख रहा होगा, उस कनेक्टर को आप इस तरीके से अलग कर लीजिए, और उस कनेक्टर पे आपको यहाँ पर तीन वायर दिख रही होंगी, तो तीनों वायर को आपने क्या करना है यहाँ पर अलग कर लेना है इस तरीके से। ये तीन वायर अलग हो चुकी हैं, एक लेफ़्ट की होगी, एक राइट की होगी और एक ग्राउंड की होगी। अब यहाँ पर जो लेफ़्ट और राइट और जो ग्राउंड है उसकी पहचान आपने कर लेनी है। तो यहाँ पर बीच में आपको एक ग्राउंड की मिल जाती है, उसको हम सेट कर लेते हैं और लेफ़्ट और राइट को पकड़ लेते हैं। ये एम्पलीफायर की वायर है याद रखिए, और ये कार्ड की वायर, जो एम्पलीफायर की वायर होंगी वो आपको यहाँ पर दूसरे और पाँचवें नंबर पर जोड़नी है, यानी कि ये आउटपुट है। चलिए आपको इनपुट का बता देता हूँ। यहाँ से कार्ड से आपको तीन वायर उठानी है, लेफ्ट राइट एंड ग्राउंड। इस कनेक्टर के माध्यम से हम इसमें वायर पहले जोड़ लेते हैं। इस कनेक्टर की वायर को थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो कनेक्टर हमने कट करा था इसको हमने इसकी वायर को थोड़ा सा लंबा कर लिया, सेम वायर के साथ ही करा है, ठीक है। अब इस कनेक्टर को हम यहाँ पर वैसे जैसे कनेक्ट था वैसे इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब रही तीन वायर की बात, तो बीच की हमारी ग्राउंड की है, ग्राउंड की हम इस तरीके से हटा देंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये जो कार्ड से आ रही है, पहले इसको हम साइड कर लेते हैं, ठीक है। जो कार्ड से आ रही है ये रेड कलर की वायर है जो कि हमारी लेफ्ट के लिए है, उस लेफ्ट की वायर को हम यहाँ पर एम्पलीफायर के फर्स्ट नंबर की पिन के साथ जोड़ लेंगे इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही से पकड़ के जोड़ लेता हूँ, जो लेफ्ट की वायर है, या इसमें राइट भी जोड़ सकते हैं फर्स्ट नंबर की पिन से, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरीके से लेफ़्ट या वायर या राइट को आप फर्स्ट नंबर की पिन से जोड़ लें। या सीधी सीधी बात करूं तो फर्स्ट नंबर की पिन हमारी इनपुट की है, यानी कि कार्ड से जो हमारी लेफ़्ट या राइट कोई सी भी आती है फर्स्ट नंबर की पिन पे हमारी इनपुट करती है। तो थोड़ा सा इसको सही तरीके से हम जोड़ लें। फर्स्ट और
लास्ट की हमारी जो है ना इनपुट की होती है, पहले में लेफ्ट इनपुट और सबसे लास्ट में राइट इनपुट होता है। यहाँ से यूएसबी से लेफ्ट और राइट आके फर्स्ट और लास्ट में जुड़ जाती हैं, सिंपल सी बात है। अगर आप समझ गए तो ठोक दीजिए लाइक। जुड़ गए, इनपुट हो गया हमारा। और अब यहाँ पर रही आउटपुट की बात, तो आउटपुट यहाँ पर ये जो एम्पलीफायर के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक जो कनेक्टर गया था ना उसकी वायर कट करी थी, यहाँ पर तीन वायर हैं ये वायर कट करी थी, तो इसमें हमने बीच में ग्राउंड को इस तरीके से हटा देना है और लेफ्ट राइट को इसी तरीके से हमने यहाँ से फिर से जोड़ लेना है। इस कार्ड इससे अब आउटपुट होगा, इनपुट की हमने कनेक्शन कर लिया, अब आउटपुट की यहाँ पर जुड़ेगी, तो जो रेड कलर की वायर होगी वो यहाँ पर जुड़ जाएगी दूसरे नंबर की पिन से, ये दूसरे नंबर की पिन से रेड कलर की वायर जुड़ जाएगी, सिंपल सी बात है। ये देखिए दूसरे नंबर की पिन से रेड कलर की वायर जुड़ चुकी है और पाँचवें नंबर की पिन से ब्लैक कलर की वायर जुड़ जाएगी। बस हो गए इसके कनेक्शन, यानी कि ये एक सेकेंड इसको पहले मैं जोड़ लेता हूँ। अब यहाँ पर ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है जो हमने ग्राउंड की छोड़ी थी, उन दोनों को भाई आपस में अटैच कर लो, आपस में अटैच कर लो इस तरीके से, आपस में अटैच कर लो और इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर, ये जो ग्राउंड का यहाँ पर ये यहाँ से जो ग्राउंड की वायर आ रही है वहाँ से, या फिर एम्पलीफायर की बॉडी के साथ वो आपस में वापस जुड़ के इस तरीके से, या फिर वहाँ पे सोल्डरिंग कर लो कैपेसिटर के नेगेटिव, मेन कैपेसिटर के नेगेटिव में उसको सोल्डरिंग कर लो, सिंपल सा है फंडा। बस हो गया, पूरे इसके कनेक्शन हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसको आप पैक वैक करना चाहें कर सकते हैं, और वैसे पैक करना ही पड़ेगा, ठीक है। पहले इसको हम सेट कर लेते हैं, इसकी बेस वेस को सेट कर लेते हैं सही तरीके से। ये लेफ्ट का बेस है, ये राइट का बेस है, लेफ्ट का ट्रेबल है, ये राइट का ट्रेबल है, तो इससे आपको बेस टेबल सेट करनी रहेगी। तो अभी तो या फिर लाइव अगर बताऊँगा तो बेस टेबल आपको रिकॉर्डिंग के टाइम पे सही नहीं आ पाएगी, फिर भी आपको बता देता हूँ। चलिए ऑन करता हूँ उसको, और यहाँ पर मैं जोड़ लेता हूँ एक स्पीकर को। तो यहाँ पर मैंने स्पीकर जोड़ लिया है और ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर पहले मैं इसके बेस को कम कर लेता हूँ और ट्रेबल को कम कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी मैं बेस ट्रेबल को पूरा कम कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक चैनल का है, ये दोनों एक चैनल का है। चलिए मैं इसमें सॉन्ग को प्ले करता हूँ। अभी आपको सिंपल कुछ भी नहीं लग रहा होगा, ये बेस यहाँ से बढ़ाता हूँ पहले मैं, और ट्रेबल बढ़ाता हूँ, ये नॉर्मल है, यहाँ से ट्रेबल को बढ़ाऊँगा मैं। देखिए कितना जबरदस्त झनकार आ रहा, ये नॉर्मल है, अब बढ़ाऊंगा इसे मैं। ये था ट्रेबल, अब मैं बेस को बढ़ाऊंगा। बेस के लिए ये वाला है, ठीक है। मैंने अभी बेस को फुल करा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भर रहा है। ये तो नॉर्मली हमारा छोटा वाला स्पीकर है, बट बड़े बॉक्स में नॉर्मली बेस बढ़ेगा। अगर आपको लगता है बेस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से हल्का सा कम कर लो, हल्का सा कम कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा करोगे तो बहुत ज़्यादा बेस होगा, और कोई स्पीकर अगर कम वाटेज का रहेगा तो वो फूक सकता है, तो यहाँ से बेस पहले कम कर लो, यहाँ से एडजस्ट कर लो। उसके बाद ये जो है ये बेस ट्रेबल को कंट्रोल करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लेने, वैसे यहाँ पर अगर आप फुल भी कर ले तो बेस ट्रेबल, तो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि ये जो है ना ये मास्टर आप समझ सकते हो उनको, इनको फुल कर लो, मेन कंट्रोल यहाँ से करोगे आप, ठीक है। चलिए मैं आपको बढ़ा के दिखाता हूँ, यहाँ से ट्रेबल कंट्रोल, यहाँ से बेस कंट्रोल आप उसके बाद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फुल करके इसको पैक वैक करके रख लो, ये आपका लेफ्ट का, ये आपका राइट का, इस तरीके से करके हम इसको इस तरीके से पैक करके फिर इसको कहीं पे रख लेंगे। तो बस सिर्फ एक ही बार इसको छेड़ना है और एक ही बार इसको इस तरीके से वो कर लेना है,
तो इसको किसी सेफ़ जगह पे आप रख लें जहाँ पर ये वो ना हो। वैसे पन्नी में मैंने चढ़ा लिया है, और चाहे तो आप इसको और ज़्यादा टेपिंग कर सकते हैं, अगर कहीं पे खाली स्पेस लगता है तो वहाँ पर भी आप इसको कस सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये कहीं भी नहीं हिलेगा डुलेगा, बिल्कुल यहाँ पर फिक्स रहेगा। और नॉर्मली आप बेस टेबल यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, वहाँ से आपने फुल कर लिया उसके बाद यहीं से आप बढ़ाइएगा, ये आपको सजेशन दूंगा मैं। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इसमें साउंड है, यानी कि एक 40-50 रुपए की किट से आप बहुत ही ज़बरदस्त बेस इसमें बना सकते हैं, 10-15 गुना इसमें बेस बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये वीडियो आपको कैसा लगा भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये सभी चीज़ें आपको ऑनलाइन में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएंगी, ऑफलाइन से लोगे तो आपको है ना थोड़ा सा बेनिफिट में रहोगे। बाकी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।